पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक और हलाकत। फैसलाबाद के अस्पताल में जेरे इलाज 22 साला नौजवान दम तोड़ गया। मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 11 हो गई। 1408 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 490 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 457, खैबर पख्तूनख्वा में 180, बलोचिस्तान में 133, इस्लामाबाद में 39 केसेस रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर में 2 मरीजों में वायरस। 25 अफराद सेहतियाब हो गए। 7 की हालत तश्वीशनाक। कोरोना से नबरदाजमा तिबी अमला बेसरो सामान, मुनासिब तादाद में मास्क ना हिफाजती लिबास। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में बगैर किट्स के मरीज चेक करने वाला डॉक्टर कोरोना का शिकार। इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक अस्पताल के 3 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। हॉस्टल में रहायश पजीर तमाम डॉक्टरों को करंटीना शिफ्ट करने का फैसला। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन, मुल्क भर में कर्फ्यू का समा, सड़कें सुनसान। कराची में छठे रोज भी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के जगह जगह नाके, गलियों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। सिंध में आज से खाने पीने की दुकानें शाम 5 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब में करियाना स्टोर्स रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। खुराक की फराहमी बहाल रखने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म। कोरोना से नबरदाजमा तिबी अमला बेसरो सामान, मुनासिब तादाद में मास्क ना हिफाजती लिबास। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में बगैर किट्स के मरीज चेक करने वाला डॉक्टर कोरोना का शिकार। इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक अस्पताल के 3 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। हॉस्टल में रहायश पजीर तमाम डॉक्टरों को करंटीना शिफ्ट करने का फैसला। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन, मुल्क भर में कर्फ्यू का समा, सड़कें सुनसान। कराची में छठे रोज भी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के जगह जगह नाके, गलियों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। सिंध में आज से खाने पीने की दुकानें शाम 5 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब में करियाना स्टोर्स रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। खुराक की फराहमी बहाल रखने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म।